हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ बजर बट्टू के हरे भरे खेत में। और यहाँ पर देखिए बजर बट्टू कितना बढ़िया जो है कि फल कर लटका हुआ है। बरसात के मौसम में ये सब सब्जियां जो है कि झमड़े पे लगाई जाती हैं ताकि ये अच्छे से फले और इसमें पानी लगने की कोई संभावना न रहे। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा ये बजरबट्टू फला हुआ है। बहुत लोग इसे बोड़ा के नाम से जानते हैं लेकिन हम लोग इसे बजरबट्टू ही कहते हैं और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम देख देख कर इस बजरबट्टू को तोड़ रहे हैं, झमड़े पर का तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए खेत में लगाया गया है और बारिश होने की वजह से खेत में जो बजरबट्टू लटके हुए रहते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए इसे झमड़े पर लगाया जाता है। तो देखिए ये सब जो है कि अभी पतले पतले हैं तो यहाँ से हम देख देख कर जो मोटे मोटे हैं उसे तोड़ लेते हैं। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से बजरबट्टू को तोड़ कर ले आए हैं अपने किचन के पास और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बजरबट्टू की रसेदार सब्जी जो कि खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर लिया हुआ है और 3 से 4 आलू लिया है, 2 प्याज लिए हैं और लगभग आधा किलो के लगभग ये जो है कि बजरबट्टू है। तो चलिए इन सभी सब्जियों को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। आप अपने मनचाहा अनुसार काट सकते हैं, छोटा बड़ा पीस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को कट कर लिया है और ये टमाटर भी कट कर लेते हैं। अब आइए तड़का भी काट लेते हैं। यहाँ पर प्याज है, अदरक लहसुन ये सब भी है। तो प्याज को हमने काट लिया है और अदरक लहसुन को खलबट्टे में कूट लेते हैं। बजरबट्टू की सब्जी तो आप लोग बहुत खाए होंगे और बनाए होंगे लेकिन चूल्हे पर बनाने का और खाने का अलग ही अंदाज होता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बजरबट्टू को लगभग 10 से 15 बजरबट्टू सरिया लेते हैं और इस तरह से जो है कि बीच में कट लगाकर इस तरह से हम एक साथ जो है कि बजरबट्टू को छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कि ये सभी बजरबट्टू को काट लिया है। अब चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। बजर बट्टू की रसेदार सब्जी बनाने के लिए हमने सभी सामान को तैयार कर लिया है। अब चलिए चूल्हे में जलाते हैं आग और फटाफट बनाते हैं। आग को हमने जला लिया है, चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। बरसात के मौसम में अक्सर कढ़ाई में जो है कि मुरझा लग जाते हैं तो इसे हम कपड़ा से हल्का सा पोंछ देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं साबुत जीरा, चुटकी भर हींग, अब हम इसमें डाल देते हैं ये कटा हुआ प्याज। तड़का को डालने के बाद इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज
प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का बना हुआ पेस्ट। इसे डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए भूनते हैं जब तक कि इसका कच्चापन दूर न हो जाए। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ आलू। आलू को डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। लगभग 2 मिनट तक हम आलू को भून लिए हैं चलाते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ बजरबट्टू। इसे डालने के बाद इसे भी हम चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। इसे चलाते हुए हम भून लिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि यह हल्का सा मुलायम हो जाए। और यहाँ पर देखिए किशन के लिए ये साइकिल आई है। किशन को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता था तो अब इनकी साइकिल आ गई है और अब ये साइकिल से जाएंगे स्कूल। चलिए इनके साइकिल को हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और ये नई साइकिल नहीं है दोस्तों, ये सेकेंड हैंड है, क्योंकि अभी किशन को साइकिल चलाने आता नहीं है, इसीलिए अभी ये सीखने के लिए लिया गया है। अभी किशन सीख लेंगे, इसके बाद जो है कि साइकिल से जाएंगे स्कूल। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत दिन बाद हम साइकिल चला रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साड़ी पे साइकिल मैं पहली बार इस तरह से चला रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने सब्जी की तरफ, नहीं तो साइकिल चलाते चलाते उधर हमारी सब्जी जल जाएगी। तो बहुत मज़ा आया ये साइकिल चलाने में। पहली बार मैं जो है कि साड़ी पे साइकिल चला रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए थाली को हटाकर चेक करते हैं। वाव, सब्जी तो हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई है और ये आलू के पीसेस भी नरम हो गए हैं। अब चलिए इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर और इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। इस टाइम के जो टमाटर मिल रहे हैं मार्केट में, इतने कड़े मिल रहे हैं ना, और इसके जो छिलके हैं बहुत ही मोटे मोटे हैं। और सब्जी में डाल दीजिए टमाटर को तो उसके छिलके ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसमें हम नमक डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से चला देते हैं और हल्का सा इसे ढक देते हैं ताकि टमाटर थोड़ा सा मुलायम हो जाए और अच्छी तरह से भुन भी जाए। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से जो है कि गल गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर और ये रहा धनिया पाउडर, इसमें गरम मसाला भी मिक्स किया गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हम मसालों को लगभग 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेते हैं। अब हम इसे थाली से ढक देते हैं ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। चलिए थाली को हटाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया से मसाले पक गए हैं और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देते हैं और इसे बढ़िया से चला देते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसमें हम और पानी डालेंगे और सब्जी अभी पकेगी तो सूखी हो जाएगी। बरसात के मौसम में आग भी अच्छे से नहीं जलता है। ये देखिए, आग को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। तो बस दोस्तों, अब हमारी सब्जी जो है कि बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, एकदम ग्रेवीदार रसेदार बनी हुई है। आप लोग भी इस मौसम में बजरबट्टू की सब्जी बनाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चलिए अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार देते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में।
आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कौन सी रेसिपी शेयर करूँगी।